कुछ टीम्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, कुछ टीम्स ऐसी हैं जो एक एक साल से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो लोग कुछ टेंशन से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक टीम हमारे पास है जिसके सारे प्लेयर्स अलग अलग टीम से उठकर आए और वो एक टीम के अंदर बैठते हैं और उन्होंने साथ के साथ मतलब कॉम्पिटिशन धोना शुरू कर दिया। हम बात करें एलिमेंट स्पोर्ट्स की और एलिमेंट के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंपटीशन दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन चैलेंजेस दिखा रहे हैं, तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। इन प्लेयर्स से जानेंगे कि इनकी क्या राय रहती है गेमिंग के बारे में, क्या राय रहती है गेम सेंस के बारे में और क्या राय है इनकी आने वाले कॉम्पिटिशन के ऊपर। सो गाइज, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। माय नेम इज हेमंत सेठी, माय इन गेम नेम इज एलिमेंट अल्ट्रॉन, माय रोल इज फ्रंटलाइन असॉल्टर एंड माय प्रेफर्ड गन्स आर DP28 एंड M416। Hi, my name is Dhruv Sangwan. I play for Element Esports. My in-game name is ELMT Sangwan. My preferred loadout is M4 current 8. Hello, my name is Aditya. I play for Element Esports. My in-game name is ELMT Fan Singh. And my preferred loadout is M7 and M4. मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू सांगवान एक्चुअली, एंड ये क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग पहली बार इकट्ठे होकर खेले, ऑब्वियसली इससे पहले आप लोग नॉर्मली भी खेले होंगे, बट देन इतने कम टाइम में टूर्नामेंट स्ट्रेटजी और टूर्नामेंट सिनर्जी कैसे बिठाए आप लोगों ने, क्या चीज यही चीज आपकी टीम को बाकी टीम से अलग करती है कि एकदम से इतने कम टाइम में आप लोगों ने एकदम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया, तो कैसे आपने स्ट्रेटजीज बनाई? स्ट्रेटजी का कुछ नहीं, स्ट्रेटजी हमारी सेम ही है, मतलब we have all played for teams which are aggressive, all right? So, सबका वही है, माइंडसेट सबका अग्रेसिव है, तो स्ट्रेटजी में कोई इतना कुछ चेंज नहीं किया हमने, बस वही है कि सेंटर हम मतलब फोकस सेंटर पे नहीं कर रहे हैं, जहां जगह मिल रही वो पकड़ रहे हैं, प्लस हमारा मेन फोकस इज टेकिंग फाइट्स, सो वी ऑल अग्रेसिव, तो सिनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आ रही बिकॉज सबका माइंडसेट मारने का ही है, तो चार लोग घुसते हैं मिलके तो फिर कैसे कराती है अपने आप ही, तो नथिंग न्यू। अब मैं पान सिंह आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी सांगवान ने बताया कि एक एग्रेसिव अप्रोच रहती है, बट डिपेंडिंग अपॉन कभी कभी ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कभी आपके एक दो गेम्स खराब है, उसके बाद क्या आप अपनी स्ट्रेटजीज बदलने का ट्राई करेंगे या फिर तीसरा गेम भी आप सीधा उसी एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ जाना प्रेफर करेंगे, मतलब आपका माइंडसेट गेम के अंदर क्या चलता है, खराब गेम्स अच्छे गेम्स को आप किस तरीके से तोलते हैं? नहीं, हमारा मेन माइंडसेट रहता है कि स्टार्टिंग में किल्स उठा लें, जैसे कि अब स्टार्टिंग की 4v4 फाइट होती है वो इजी होती है क्योंकि ऐसे फ्लैंक ले सकते हैं आप, फ्लैंक एंगल से मार सकते हैं, तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि स्टार्टिंग में 4 से 6 किल उठाए ताकि अगर गेम में अर्ली एग्जिट हो तो भी हमारे 8-10 पॉइंट एवरेज रहे। तो अल्ट्रॉन, इस चीज के साथ ही अगला क्वेश्चन आपके ऊपर होगा, एंड क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अभी नई नई टीम्स आई हैं, अंडरडॉग्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन आ रही हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस उन टीम से किस तरीके की है PMIS को लेकर? उन टीम्स को लेके मैं यही बोलूंगा कि जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मेन है, जितना हो सके, और फाइट्स में भी इंडल्ज करो क्योंकि आगे जाके सिर्फ, और अभी भी आगे जाके भी सिर्फ किल्स ही मैटर करेंगे, किल पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, अगर तुम किल पॉइंट लेके एग्जिट भी ले लेते हो, अर्ली एग्जिट ले लेते हो तो वो पॉइंट्स आ जाते हैं, एवरेज अच्छी बैठ जाती है, तो बस भाई ये कंसिस्टेंट रहो और किल्स निकालते हो। तो कोई एक ऐसी टीम जो नोन है और एक ऐसी टीम जो अंडरडॉग है जो आपको लगता है आपके लिए बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन निकाल, लाइक दोनों अगर कैटेगरीज में आपको एक एक नाम देने हो जिस पर आपको लगता है आपकी नजरें रहेंगी और जिस पर आपको लगता है कि ऑडियंस आने वाले टाइम में इस अंडरडॉग टीम को बोलेगी कि हाँ ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से उभरी है जस्ट बिकॉज ऑफ PMIS, तो कोई दो ऐसी टीम्स के अगर आप नाम लेना चाहें? नोन टीम्स की बात है तो जो न्यू OR टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा कंपटीशन देगी, और अंडरडॉग टीम्स की बात है तो लूपस्टॉर्म करके जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, एग्रेसिव खेल रही है, तो वो अंडरडॉग टीम है जो अगर ऐसे खेलती रही, ऐसे कंसिस्टेंट रही तो आगे जाके अपना नाम बढ़िया बना सकती है। नॉन टीम्स में तो मुझे लगता है हमारी टीम, मैं अपनी टीम को बेस्ट मानता हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जो अंडरडॉग आई मैंने कल के मैचेस देखे वो DT करके एक टीम है, वो मुझे काफी अच्छा लगा उनकी फाइट्स और उनके रोटेशन वगैरह। जी, और फॉर मी लाइक नोन टीम्स में ऑब्वियसली OR, TSM एंड INS, दीस थ्री टीम्स आर प्लेइंग रियली वेल, OR का तो आज मैच होगा तो देखते हैं कैसे करते हैं, बट ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म बेटर, एंड नोन अंडरडॉग्स में आई गेस लूपस्टॉर्म है एक टीम, एक DT है डार्क टेंजेंट और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये तीन टीम्स अच्छा देखिए मेरे को तक खेलते हुए, सो फॉर मी दीस थ्री। So, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं एलिमेंट के प्लेयर्स के साथ, एंड इनके प्लेयर्स बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, लेट्स जस्ट होप कि आगे वो परफॉर्मेंसेस निकल कर आते रहे एंड मे बी इनको हम देखेंगे PMIS चैंपियंस के रूप में। गाइस, ऑल द बेस्ट टू यू एंड लेट्स गो।